बहुत शुक्रिया। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ कि हमारी जो ये शादीशुदा जिंदगी है, इसका एहसास हमें ये कोरोना की आमद के दौरान हुआ कि फिर जो हम फनकार हैं, हमें पता चला कि हमारी सोशल लाइफ के अलावा एक पर्सनल लाइफ भी है। तो इस पर्सनल लाइफ में बहुत सारे तजुर्बात होते हैं। एक तजुर्बा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बीवी की बात आप पूरी सुने, उसके बाद रिएक्ट करें। मेरे एक दोस्त हैं, एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि अगर मैं आपको 4-5 दिन नज़र ना आऊँ तो आप क्या करेंगे। वो खुश हो गए, बोले मैं पार्टी करूँगा। फिर वो एक दिन नज़र नहीं आई, दो दिन नज़र नहीं आई, तीन दिन नज़र नहीं आई, चौथे दिन जब आँख की सूजन कम हुई फिर हल्की हल्की नज़र आई। तो और इस कोरोना के दौरान हमने ये जो सेल फोन है हमारा, इसका इस्तेमाल भी बेपनाह सीखा। हम सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और मुझे लगता है कि निगाहों की कमज़ोरी का भी इम्कान है। तो मोबाइल फ़ोन के आने से हमारी अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में आई है। मैं जब घरवाली को फ़ोन करता हूँ मुझे आवाज़ आती है, आपके मतलूब सारिफ का मूड ऑफ है, बराए मेहरबानी 6-7 दिन के बाद कॉल करें। और जब वो मुझे फ़ोन करती है उससे आवाज़ आती है, आपने जो नंबर डायल किया वो आदमी सही नहीं है। तो मामलात बड़े अजीब हैं। एक पॉलिटिशियन को मैंने फ़ोन किया, मुझे आवाज़ आई आपका मतलूब सारिफ आर्जी तौर पर बंद है। और सबसे ज़्यादा मसला जब आप ये जो कॉल वेटिंग की सूरत हाल होती है ना, उस वक्त होता है अगर आप किसी से बिजनेस डील भी कर रहे हो और दरमियान में वाइफ की कॉल आ जाए तो ये पहले से मुखबरी कर देते हैं कि आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। हालांकि हो सकता है कि बंदा दूसरी लाइन का ना हो। तो सेल फोन आने से हमारी ज़िंदगी भी इसी रंग में रंग गई है। मेरे एक दोस्त पेट पकड़े घूम रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ, बोले यार आउटगोइंग ब्लॉक हो गई है। एक और थे वो लुटे लिए घूम रहे थे, उनकी आउटगोइंग फ्री थी। इसी जुबान में बातें हो रही, एक लेडी को बस स्टॉप पे किसी ने छेड़ा, उससे मुड़ के देखा तो एक अंकल खड़े हुए थे, कहने लगी सुने ये मिस कॉल आपने मारी है। तो बोले अरे कहाँ बेटा, हमारा तो बैलेंस ही कब का ख़त्म हो गया। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मैं क्योंकि मैं जिस ताल्लुक रखता हूँ तो माशाल्लाह यहाँ पर बाकायदा बॉडी लैंग्वेज के साथ, बाकायदा ज़ोर शोर के साथ भी हंसाया जाता है। लेकिन चूँकि हम मोइन अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी सिखाई हुई कुछ बातें हैं कि आपका काम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। अगर हल्की सी भी मुस्कान आ जाए आपकी वजह से तो आपका काम पूरा हो गया। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।